तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे मेरे यूट्यूब चैनल नाजिम रजा ब्लॉग में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर का मॉडिफिकेशन, जो एक कैफ्रिशर बाइक में हम करने वाले हैं। गाइस, इसमें आप कितना खर्चे में आप स्प्लेंडर को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। गाइस, तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ। और गाइस, इसमें टोटल कितना खर्चा है, कितने में बन सकती है, और काफ़ी सारी वीडियो इसमें है। वाइट कलर की स्प्लेंडर, रेड कलर की स्प्लेंडर, काफ़ी सारी स्प्लेंडर इसमें हमने ऐड कर रखी है। तो आपको जो अच्छी लगी वो आप मॉडिफिकेशन अपने स्प्लेंडर में कर सकते हैं। गाइस, तो गाइस वीडियो चालू करते हैं। और वीडियो चालू करने से पहले आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, फर्स्ट टाइम जब आप मॉडिफिकेशन कराते हैं तो गाइस आप अपनी गाड़ी के अंदर अगर साउंड इफेक्ट अगर चेंज करना चाहते हैं तो जो इसका कंपनी का फिल्टर आता है उसको निकाल दें। और 250-300 के अंदर ये वाला फिल्टर आता है, इसको आप अगर लगाएंगे तो आपका जो साइलेंसर का एग्जॉस्ट का जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाए। तो गाइस, एग्जॉस्ट साउंड की तो बात होगी, अब बात कर लेते हैं इसकी हेडलाइट के बारे में, जो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पे चल रही है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में यही हेडलाइट चल रही है। आपको 200-300 के अंदर ये लाइट की एक पट्टी मिल जाती है, जो भी किसी भी दुकान पर अवेलेबल है इस टाइम पे, हर दुकान में मिल जाती है। आपको इसको हेडलाइट के साइड साइड घुमाना और इसको लगा देना। तो गाइस, आप कुछ ज़्यादा ही मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप एक साइलेंसर आता है उसकी आपको गोलाई से अगर आप उसकी निकलवा देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसकी साउंड जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाते हैं। जो मार्केट में आप जाओगे ना निकल के तो लोग देखेंगे कि कैसे क्या गाड़ी निकल गई। तो गाइस, एक ये भी मॉडिफिकेशन होता है, आप गाड़ी का पूरा रिव्यू देख लो किस तरीके की लग रही है, एकदम ब्लैक गाड़ी है। आगे वाली गाड़ी जो आने वाली है वो वाइट कलर की है। पोनी देखो किस तरीके की लग रही है, नंबर प्लेट पर पोनी लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बाइक लग रही है, जो पंजाब में मॉडिफिकेशन करवाई है। गाइस, इसका कुल खर्चा आपको मैं लास्ट में बताऊँगा, कितना पड़ सकता है कितना नहीं पड़ सकता है, तो वीडियो पूरा वॉच करें पूरा देखें। तो गाइस, आपने ब्लैक कलर की तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी देखी होंगी, मगर वाइट कलर की आज स्प्लेंडर ओल्ड स्प्लेंडर में दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं सामने आपके एक ब्लैक कलर की और वाइट कलर की गाड़ी, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। तो गाइस, आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर ज़्यादा स्टिकर नहीं चिपकवाना चाहते हैं, तो गाड़ी के अंदर कुछ भी मतलब ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते जिससे आपका चालान कटे, तो गाड़ी के अंदर आप इस तरह का मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, इस तरह की गाड़ी कस्टम करा सकते हैं। इसमें खाली अलॉय व्हील और फॉर्म का बस इसमें मॉडिफिकेशन करा हुआ है, तो आप इस तरह की गाड़ी में मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। आगे गाड़ी आने वाली है हमारी रेड कलर की। गाइस, ये रेड कलर की गाड़ी आपके सामने है, जो कि एक ओल्ड मॉडल है, बहुत ही ज़्यादा पुराना मॉडल गाड़ी है, इसको भी मॉडिफिकेशन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो गाड़ी आगे आने वाली गाड़ी है ब्लैक कलर की हमारी गाड़ी, ये गाड़ी को पंजाब से मॉडिफिकेशन करा हुआ है, इसके टंकी पे जो स्टिकर लगा हुआ है और आगे स्टिकर लगा हुआ है, ये भी सादा एक मॉडिफिकेशन होता है। गाड़ी के हेडलाइट देखें कितनी अमेजिंग लग रही है। तो गाड़ी साहब ऐसा मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको किसी भी दुकान पर ये हेडलाइट मिल जाएगी, आप इसको कहीं से परचेस कर सकते हैं, 500 रुपये की आती है। और इस तरीके का मॉडिफिकेशन आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ये थी हमारी जानकारी छोटी सी। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें।